हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बैंगन का पकौड़ा। इसे बैंगनी भी कहते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप गर्मा गर्म खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अगर आप मेरे बताए तरीके से बनाते हैं तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बैंगन को मैंने धोकर रख लिया है। अच्छी तरह से बैंगन को धो लेना है। ऊपर से काफ़ी धूल मिट्टी लगी होती है और इसके ऊपर वाले पार्ट को कट कर लेना है और बैंगन को राउंड शेप में ही इसे कट कर लेना है। इस तरह से ज़्यादा इसे पतला नहीं काटना है और ना ही ज़्यादा मोटा। आप देख सकते हैं वीडियो में, इसी तरह से इसे काट लेना है। तो चलिए, सभी बैंगन को मैं काट कर रख ली हूँ और अब मैं इसे एक दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ ताकि मसाले लगाने में आसानी हो। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जिससे कि बैंगन में भी बढ़िया सा चटपटा सा टेस्ट आ जाए। तो मैं इसमें डाली हूँ आधी चम्मची नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें ऐड की हूँ काली मिर्च का पाउडर। इस तरह से मसाले को लगाने के बाद इसे कुछ देर रख देना है जिससे कि बैंगन में भी बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। अक्सर हम लोग बैंगन को डायरेक्ट काट कर फ्राई करते हैं तो बैंगन के अंदर तक टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने इसमें मसाले को डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मसाले को बैंगन में लगा देती हूँ। देख सकते हैं, इस तरह से सभी बैंगन में मसाले को अच्छी तरह से लगा देना है। तो अब ये तैयार है। इसे मैं रख देती हूँ साइड और मैं यहाँ एक बर्तन में ली हूँ 2 से 3 चम्मच बेसन लेना है और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करना है जिससे कि बेसन का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाए और पकौड़ा टेस्टी बने। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मची हल्दी पाउडर और अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। इससे काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आता है। और अब इसमें ऐड करें 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा इसमें डालें हरा धनिया और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, पकौड़ा को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए इसमें ऐड करें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट और इसे मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इस तरह का देख सकते हैं तैयार है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बैंगन जो मैंने मसाला लगा कर तैयार किया था। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से इसे मिक्स करें और फ्राई कर लेना है। क्योंकि मसाले लगाकर बैंगन को मैंने रखा था, बैंगन काफ़ी बढ़िया से सॉफ्ट भी हो चुका है और इसमें अंदर तक टेस्ट भी आ चुका है। अब फ्राई करने के लिए आपको तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और इसमें एक एक करके पकौड़ा को डाल दें और इसका बढ़िया सा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये लग रहा है देखने में। पकौड़ा फ्राई हो चुका है, इस तरह से बैंगन अंदर तक गल चुका है, इसलिए अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, सभी पकौड़े को मैं फ्राई कर लेती हूँ जो बचे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है बैंगन का चटपटा टेस्टी सा पकौड़ा। मसाले लगाकर बैंगन को रखने से बैंगन काफ़ी जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है और अंदर तक फ्लेवर भी आता है इसमें। इसलिए आप मेरे बताए तरीके से ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए।